नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीआर चौधरी और आप देख रहे हो जीआर संभव की सोशल स्टडी की क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा, उसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल। और मौर्य काल क्लास 8वीं से लगाकर कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। कल हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और साथ ही आपने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य शासन को स्थापित किया और किस प्रकार चाणक्य ने उसकी सहायता की और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसके पुत्र बिंदुसार भारत की या मगध की राजगद्दी पर बैठे। बिंदुसार ने, देखो थोड़ा सा रिविजन में आपको बता दूं कि बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया और जब उनकी मृत्यु हुई तो कहते हैं कि उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, दो गुट हो गए। एक था अशोक के नेतृत्व में और एक था सुसीम के नेतृत्व में। ध्यान से देखना, वापस देखो, मैं बताऊं आपको, बिंदुसार की मृत्यु हुई 272 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व मान सकते हो, डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है प्राचीन काल के जो इतिहास में। तो जब 272 में मृत्यु हुई उनकी, तो उनके दो पुत्र थे, पुत्रों की संख्या काफी थी लेकिन दो पुत्र प्रसिद्ध थे। एक का नाम था अशोक और एक का नाम था सुसीम। सुसीम बड़ा था और अशोक छोटा था। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और कहते हैं कि इसमें अशोक विजित हुआ और अशोक के बहुत सारे भाई थे। कई ग्रंथों में मिलता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी। एक भाई और था तिस्से, ये भी था। तीन का जिक्र जरूर आता है लेकिन अशोक और सुसीम दोनों धड़ों में युद्ध हुआ और उसमें विजय हुआ अशोक, और उसने सुसीम को पराजित कर दिया। और कुछ ग्रंथों में यह भी मिलता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों का वध करके राजगद्दी प्राप्त की थी। तो कहने का मतलब है बिंदुसार के बाद में मौर्य राजगद्दी पर जो बैठा उसका नाम था अशोक और इतिहास में इसको अशोक महान कहा जाता है। अशोक महान के बारे में हम थोड़े सामान्य सा परिचय हम पढ़े, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अशोक 272 या 73 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व मान लो, 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे और 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था। उस राज्य को बिंदुसार ने और बढ़ाया। और मैंने कल भी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि दक्षिणी भारत में लगभग सभी राज्यों को बिंदुसार ने जीत लिया था, केवल एक दो राज्य थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसका नाम था कलिंग। आपको याद आ रहा होगा, तो कलिंग विजय अशोक के जीवन में एकमात्र विजय थी और उसके बाद में उनका जीवन बदल गया। तो अशोक के बारे में एक सरसरी तौर से हम देख ले कि अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक बने और 232 ईस्वी ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। अशोक का जो नाम है, अशोक का जो नाम है वो अशोक नहीं मिलता है, बहुत कम अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। केवल याद रखने वाली बात है कि जो मास्की और गुजरा अभिलेख जो है, दो ही अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, केवल दो याद रखना, मास्की अभिलेख और गुजरा जो अभिलेख है। अभिलेखों का एक अलग से अपना वीडियो आएगा, इनके अभिलेख काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी अलग अलग अभिलेखों में उनका नाम अलग अलग मिलता है, ज्यादातर उनकी उपाधियों का नाम मिलता है। जैसे कि अशोक को देवनाम प्रिय, ये बड़ी प्रसिद्ध उपाधि थी अशोक की, देवनाम प्रिय, मतलब देवताओं में भी प्रिय, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी उपाधियां
से जाना जाता है। दो उपाधियां मोस्ट है। कई बार पूछा जाता है कि अशोक की कौन सी उपाधियों से नवाजा गया था, कौन सी उपाधियां ज्यादा लिखी हुई मिलती है इसमें, तो अशोक की देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी दो उपाधियों के बारे में अलग अलग अभिलेखों में मिलता है। बाकी इन दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ, बाकी सब जगह देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिय दर्शी नाम लिखा हुआ मिलता है। तो इनसे पता चलता है कि अशोक की ये क्या थी, उपाधियां थी, नाम नहीं था। नाम का केवल वर्णन मास्की और गुजरा अभिलेख में मिलता है। एक और देखो अशोक के बारे में मैं बता दूं सरसरी तौर से कि अशोक के पुत्र महेंद्र और एक पुत्री थी संघमित्रा, दो महेंद्र और संघमित्रा का नाम का वर्णन मिलता है और इन दोनों ने अशोक के कहने से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। किसने, महेंद्र ने और संघमित्रा ने। तो इनके पुत्र और पुत्री का वर्णन भी होता है जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। और जो अशोक के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, अशोक के जीवन से संबंधित दो चीजें अलग थी, एक उनका जो अभिलेख निर्माण था वो, और दूसरा उनका जो कलिंग का युद्ध था वो। इन दोनों ही चीजों ने उनको एक महान शासक बना दिया था। हालांकि अशोक ने एक कलिंग के युद्ध के बाद में कोई क्षेत्र विजित नहीं किया था, लेकिन इस कलिंग के युद्ध ने और उसके बाद में उनका अभिलेख निर्माण, शिलालेख निर्माण, लघु अभिलेख है, तो इनसे अशोक को महान माना जा सकता है। जब अशोक ने शासन के 8 वर्ष हुए, 273 के बाद में 8 वर्ष हुए, तो 261 ईसा पूर्व लिखा जाता है, कई में 262, 261 ईसा पूर्व में उनका एक युद्ध हुआ और उस युद्ध को बोलते हैं कलिंग का युद्ध। कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब देखो इस युद्ध में हुआ क्या कि ये युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कलिंग की बात की जाए तो कलिंग के राजा थे नंदराज, यदि आपको याद रखना है तो कलिंग के राजा थे नंदराज। अब इस कलिंग से इनका युद्ध हुआ और इसमें 1.5 लाख के लगभग लोग मारे गए। जब युद्ध समाप्त हुआ और अशोक ने उस युद्ध भूमि में गया तो वहां चारों ओर मारकाट मची हुई थी, और इस मारकाट से अशोक इतना व्यथित हुआ, इतना दुखी हुआ कि उसने उसी युद्ध भूमि से युद्ध न करने की शपथ ले ली। और साथ ही जो अशोक शिव उपासक था उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के साथ ही बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार का प्रयास किया, अहिंसा की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वो अशोक लग गया। देखो मौर्य शासन की जो पतन के कारणों में हम पढ़े तो अशोक की जो युद्ध न करने की नीति थी ये भी एक कारण था। अशोक ने बाद में कभी युद्ध नहीं किया और ये एक कारण मौर्य वंश के पतन का भी मान सकते हैं। तो ये थी अशोक की सामान्य सी जानकारी। देखना अशोक का जो कलिंग का युद्ध हुआ इसका वर्णन एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुंफा अभिलेख। क्या नाम है, हाथी गुंफा अभिलेख। यह नाम भी याद हो जाता है कि हाथी पे बैठ के युद्ध किया जाता है, तो हाथी गुंफा अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। और मैंने कहा था कि उस समय कलिंग के शासक थे नंदराज, ठीक है। और इस युद्ध में जब अशोक युद्ध क्षेत्र में गया था तो उनके साथ एक बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था उपगुप्त। इस उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। अशोक की स्थापत्य कला या उसके निर्माण की भी बात कर ले तो अशोक ने, देखो एक और चीज आपकी किताब में मिलेगी कि अशोक ने बराबर एक जगह है वहां उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण किया था जिनका नाम है सुदामा गुफा, चापर गुफा, विश्व झोपड़ी और कर्ण गुफा। इन 4 गुफाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था। साथ ही जब अशोक ने युद्ध बंद कर दिए, युद्ध करना बंद कर दिया, तो उन्होंने अपनी जनता की भलाई के लिए प्रयास कर दिए। तो अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष कौन सा हुआ,
कि उनका राज्याभिषेक हुआ था 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व। इसके 10 वर्ष बाद में कौन सा हुआ, 263 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व। देखो 273 ईसा पूर्व में वो शासक बने और 10 वर्ष बाद में 263 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया, 10वें वर्ष उन्होंने बोधगया, बोधगया बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है उसमें बोधगया की यात्रा की, और 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी वन, इसके बारे में बौद्ध धर्म जिन्होंने पढ़ रखा है, महात्मा बुद्ध के परिचय पढ़ रखा है, तो लुम्बिनी की धम्म यात्रा की, और साथ में ही उन्होंने जनता की सेवा के लिए जो टैक्स पहले 1/6 टैक्स लगता था, मतलब 1/6 टैक्स जनता से लिया जाता था भूमि कर, वो घटाकर कितना कर दिया, 1/8, मतलब उन्होंने भूमि कर भी काफी कम कर दिया। अशोक की मोटी मोटी चीजें आपको याद होगी, लेकिन कलिंग का युद्ध, सवाल कहां से बनते हैं, किसके प्रभाव से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो उसका नाम उपगुप्त के जगह निग्रोध भी मिलता है, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और उसके बाद में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में 10वें वर्ष उन्होंने कहां की यात्रा की, बोधगया की यात्रा की, और 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। उसके साथ में ही उन्होंने जो भूमिकर था वो जनता को राहत देने के लिए भूमिकर को भी 1/6 से घटाकर कितना कर दिया गया, 1/8। ये था सामान्य सा अशोक का परिचय। अब देखो जो अगली जो बात आती है वो ये है कि अशोक की जो उपलब्धियां है उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है अशोक का धम्म। क्या है, अशोक का धम्म, मैंने कहा अशोक को महान कहा जाता है, और अशोक की महानता का एक कारण है अशोक की धम्म की नीति। देखो धम्म और धर्म दोनों अलग अलग है, धम्म और धर्म, अशोक ने कोई विशेष धर्म नहीं चलाया लेकिन उन्होंने धम्म की बातें की थी। धम्म का मतलब है धारण करना, जैसे धर्म का होता है वैसे ही धम्म का अर्थ होता है नैतिक आचरण, अर्थात धम्म का मतलब है कि सदाचार, अच्छे आचरण, नैतिक आचरण अच्छा हो वो क्या है, धम्म है। अब नैतिक आचरण अच्छे का मतलब क्या है, बड़े बुजुर्गों को कुछ सेवा करना, अहिंसा करना, झूठ नहीं बोलना, सदाचार से रहना, पाप नहीं करना, ये सारी जो आपके आइडिया में जो अच्छी चीजें हैं उन सबको मिला दिया जाए तो अशोक का धम्म बनता है। अशोक ने धम्म की परिभाषा भी लिखे तो धम्म की परिभाषा के अनुसार अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु, मनुष्य की अंतरात्मा की उन्नति हो, नैतिक रूप से उन्नत हो, अच्छे विचारों वाला, नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। सीधी सी परिभाषा कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो भी अच्छे उच्च आदर्शों का प्रतिपादन किया, अच्छी बातें जो बताई, वो क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। और धम्म के बारे में उन्होंने जो अभिलेख है उनके, अशोक ने अपने दूसरे याद रखना और 7वें अभिलेख में अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है। कौन से अभिलेख में, दूसरे और 7वें, दूसरे और सातवें अभिलेख में अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है। दूसरे अभिलेख की मैं बात करूं तो दूसरे अभिलेख में अशोक ने एक लिखा है दूसरे अभिलेख में लिखा हुआ है कि संस्कृत में लिखा है, जैसे अप्पा सिन्वे, ध्यान देना, बहु कयाने, अप्पा सिन्वे बहु कयाने दया दाने, अप्पा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचिए, माधवे च साधवे च, अप्पा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे च, ये अभिलेख में लिखा हुआ है। और इसका नाम,
इस लाइन का मतलब भी ये वो है, अप्पा सिन्वे मतलब पाप मत करो, बहु कयाने बहुत सारे लोगों का कल्याण करो, दया करो, दान करो, सच्ची सोच रखो, शुद्ध सोच रखो, अच्छे विचार रखो, ठीक है, साधुओं की सेवा करो, देवताओं की सेवा करो। ये क्या है? सारा धर्म है। क्या है? धम्म है, धर्म नहीं है, धम्म है। इस प्रकार उन्होंने अपने अभिलेखों में जनता के लिए नैतिक शिक्षाएं लिखवाई थी कि जनता को कौन से काम करने चाहिए। अपने अधिकारियों को आदेशित किया था कि जनता का किस प्रकार कल्याण करना है। ये सारे अभिलेखों पे उनका लिखा हुआ है। अभिलेखों का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें प्रत्येक अभिलेख की जानकारी होगी कि इस अभिलेख में किस प्रकार की जानकारी लिखी हुई थी, कहाँ मिला, क्या है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखो जो बात आती है, वो अशोक ने जब कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व के कलिंग के युद्ध के बाद में युद्ध न करके धम्म की नीति अपना ली थी, तो उन्होंने अपनी प्रशासन व्यवस्था में भी, अपने शासन का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन किया। वो क्या किया? पहला उसने, देखो मैंने अभी बताया था कि पहला उन्होंने धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। धम्म यात्रा का मतलब ये होता है कि पहले क्या करते थे राजा महाराजा करते थे, वो विहार यात्रा करते थे। विहार, विहार का मतलब घूमने जाते थे जंगलों में मौज मस्ती के लिए। जो विहार यात्रा थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? धम्म यात्रा में। इस यात्रा में क्या होता था कि विहार यात्रा में तो जो राजा थे अपने शौक के लिए पशुओं को मारते थे, हिंसा करते थे, ये शौक थे। राजा ने वो शौक छोड़ के धम्म की यात्रा अर्थात जनता की भलाई के लिए यात्राएं की जाने लगी। जनता को उस धम्म यात्रा में दान दिया जाता था, उनको अच्छे उपदेश दिए जाते थे, बहुत सारे यूं कहे आप जैसे कैदी होते थे उनको छोड़ा जाता था। ये सारा क्या था? धम्म यात्राएं कहलाती थी। इसके साथ ही एक और उन्होंने प्रारंभ किया अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब ये होता है कि जो अशोक थे, अशोक के जितने भी क्या बोलते हैं मंत्री और कर्मचारी होते थे, उनको ये आदेश दिया। जैसे उनके एक अधिकारी का नियुक्ति की थी रज्जुक, उनको उन्होंने आदेश दिया कि आप है आप जनता में उनके चरित्र निर्माण के साथ साथ ही प्रत्येक 5 वर्ष में, ये धम्म यात्राएं 10 वर्ष में होती थी, 5 साल में, ये तो 10 साल में होती थी, 10 वर्ष में, लेकिन ये रज्जुक प्रत्येक, रज्जुक का मतलब अधिकारी मान लो आप, कर्मचारी जो थे राजा के, उनको कहा गया कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का भ्रमण करो और उस राज्य के भ्रमण में आप जो जनता की भलाई के काम है, ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार है, इसके लिए आप प्रयास करोगे। इन रज्जुकों को आदेश या कर्मचारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक 5 साल से वो अधिकारी पूरे राज्य का भ्रमण करेगा और वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा। एक उन्होंने और अशोक की उपलब्धि थी धम्म महापात्र। अशोक ने क्या किया? एक व्यक्ति, एक पद सृजित किया जिसको बोलते हैं धम्मापात्र। देखो इसका कौन से अभिलेख में वर्णन है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि उन्होंने एक धम्मापात्र की नियुक्ति की जिसका काम क्या था। जनता धम, देखो नाम से पता चल रहा है धम्म महापात्र। महापात्र का मतलब होता है, द महामात्र का मतलब होता है, महामात्र का मतलब होता है बड़ा अधिकारी, और धम्म का मतलब अच्छे विचार। तो इस जो धम्म, अशोक का धम्म था, उस धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, जनता की कल्याण के लिए ये जिम्मेदार था, और इस धम्मापात्र की नियुक्ति अशोक ने की। इसका मुख्य काम था धम्म का प्रचार प्रसार करना, जनता के कल्याणकारी कार्य करना, ये सारा इस धम्मापात्र की नियुक्ति की गई, और उसका एक ही काम था धम्म से संबंधित, और धम्म क्या था? जनता के कल्याण और भलाई करना। तो धम्म यात्राएं होगी, अनुसंधान, अनुसंधान कौन करता था? जो राजा के अधीन बड़े कर्मचारी होते थे, मंत्री होते थे, वो रज्जुक नाम मिलता है, और धम्मा मात्र, ये धम्मा मात्र होता था जो शीर्ष अधिकारी था धम्म के मामलों में, और उसका काम था क्षेत्र का भ्रमण करो और साथ साथ ही जनता के कल्याण और
जनता के को दानशीलता के प्रोत्साहित करना, कैदियों को रिहा करना, इस प्रकार के इसको काम दिए गए थे। अब जो आता है सबसे मोस्ट जो चीज आती है जिनमें से सवाल बनते रहते हैं प्रत्येक क्लास में, और ये सीख गए तो हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल लगभग आता रहता है। देखो अभिलेख, इसका एक पूरा वीडियो बनेंगे कि कौन कौन से अभिलेख थे, कौन से उनके लघु अभिलेख थे, कौन से शिलालेख थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभिलेख का मैं साधारण सा परिचय पढ़ लूं। ईरान के राजा, एक ईरान के राजा थे, संसार में कहीं इस अभिलेखों का वर्णन नहीं मिलता। भारत में तो अभिलेखों की बात की जाए तो अभिलेखों में सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में, शुरुआत जहां से हुई अभिलेख निर्माण की, वो थे अशोक। अभिलेख भारत से पहले, अशोक से पहले ईरान के शासक थे दारा, उन्होंने अभिलेख निर्माण करवाया था, और इसी दारा से प्रभावित होकर अशोक ने भी अभिलेख, मतलब जो अशोक अभिलेख निर्माण का काम किया वो किससे प्रेरित होकर किया था, ईरान के शासक थे दारा, उनसे प्रभावित हुए थे, और उसके बाद में उन्होंने भी अभिलेख निर्माण किया। तो अशोक किससे प्रभावित थे, दारा से, क्योंकि दारा क्या करते थे, अभिलेख निर्माण करते थे, अभिलेख बनवाए थे उसने भी। तो अभिलेख दारा से प्रभावित थे। साथ ही देखो, और अधिकांश जो अभिलेख है वो उनकी ब्रह्मी लिपि में, दो लिपियां थी ब्रह्मी और खारोष्ठी लिपि, तो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्रह्मी लिपि इधर से इधर लिखी जाती थी यूं, जैसे हिंदी लिखते हैं ना वैसे। तो अधिकांश लिपि अभिलेख ब्रह्मी लिपि में थे, लेकिन उनके दो अभिलेख मनसेरा और सहबाजगढ़ी, ये दो अभिलेख ऐसे थे जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखे थे। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं, ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखते। तो दो अभिलेख मनसेरा और सहबाजगढ़ी के जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। दिल्ली टोपरा, इनकी बात करूंगा डिटेल से, हम पढ़ेंगे कि दिल्ली टोपरा स्तंभ पर, एक स्तंभ पर सात लेख एक साथ लिखे गए हैं। थोड़ी सी मोटी सी जानकारी दे दूं, ठीक है। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोक्स की जानकारी मिलती है, और इन अभिलेखों में एक सबसे मोस्ट बात, इन अभिलेखों में जो ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, इनको सबसे हम पहले पढ़ने का जो काम किया वो थे एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। काफी बार सवाल आया हुआ है कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, कौन सा खरोष्ठी लिपि में अभिलेख है, कौन सा ब्रह्मी लिपि का अभिलेख है, इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब देखो, एक और अशोक ने देखो तीन चीजें तो कर ली उन्होंने, कि धम्म यात्रा प्रारंभ कर दी, अनुसंधान प्रारंभ कर दिया, और धम्म महापात्रों की नियुक्ति उन्होंने चालू की, और इन सब का, तीनों का उद्देश्य एक ही था, धम्म का प्रसार करना और साथ में जनता के कल्याण को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना। अब देखो एक बात और है कि जब अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन चंद्रगुप्त या पूरा मौर्य शासन काल है, तो उसकी बात करें तो उसके जो प्रशासन है, आपको पढ़ना चाहिए कि प्रशासन कैसे चलता था, प्रशासन का मतलब उनकी शासन व्यवस्था कैसे संभालते थे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। इनमें से छोटे सवालों में से एक सवाल आता है कि यह अधिकारी किससे संबंधित था। ध्यान से देखना, मौर्य जो प्रशासन है उसमें आज की तरह एक केंद्रीय व्यवस्था होती थी, एक राज्यों की व्यवस्था होती थी, एक नगरों की व्यवस्था होती थी, एक गांव की व्यवस्था होती थी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय जो प्रशासन था उसमें कौन कौन से अधिकारी होते थे और उनको किस नाम से जाना जाता था। काफी महत्वपूर्ण है ये, इनके नाम है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत, ध्यान से समझना, अर्थशास्त्र में 18 विभागों का नाम, डिपार्टमेंट कितने बने हुए थे, जैसे मंत्रालय होते हैं अभी अलग अलग मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय है, ये चिकित्सा मंत्रालय है, ये सड़क मंत्रालय है, ठीक है। तो इसी प्रकार उस समय जो मौर्य काल था उस समय 18 विभाग होते थे और उनका नाम मिलता था तीर्थ कहा जाता था। जैसे अभी विभाग या डिपार्टमेंट जो अंग्रेजी में कहते हैं उसको उस समय क्या कहा जाता था, तीर्थ। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र में
18 विभागों का वर्णन मिलता है, और प्रत्येक विभाग में आपको पता है कि जैसे अभी प्रत्येक विभाग में ऊपर एक क्या होता है, मंत्री होता है, तो वैसे ही उस समय भी 18 विभाग होते थे और 18 विभागों में प्रत्येक में एक मंत्री होता था। अब उन मंत्रियों के नाम काफी महत्वपूर्ण है, एक बार याद रखना। देखो 18 मंत्री कौन कौन से हैं, मैं एक बार पढ़ के सुना दूं कि पहला मंत्री और पुरोहित, दूसरा समाहर्ता, तीसरा सन्निधाता, चौथा सेनापति, पांचवा युवराज, छठा प्रदेष्टा, सातवां नायक, आठवां कर्मांतिक, नौवां व्यवहारिक, दसवां मंत्री परिषद अध्यक्ष, ग्यारहवां दंडपाल, बारहवां अंत्यपाल, तेरहवां दुर्गपाल, चौदहवां नागरिक, पंद्रह द्वारिक, सोलहवां द्वारिक, सत्रहवां अंतर्वसिक और अठारहवां आठविक। ये 18 उनके मंत्री होते थे। अब ये किस किस से संबंधित थे इसको याद करना। 18 मैं कुछ आपको आइडिया से बता देता हूं, मैं आइडिया आपको होगा इनके। जैसे सेनापति, ठीक है, युवराज आप जानते हो, युवराज का मतलब राजा का वो उत्तराधिकारी। तो ये 18 जो तीर्थ है वो कभी कभी जैसे मंत्रिमंडल की बैठक होती है वैसे ही इन तीर्थ अध्यक्षों की बैठक होती थी, तो इनमें सबसे बड़ा ये अधिकारी होता था। तो युवराज का मतलब राजा का उत्तराधिकारी, ठीक है। युवराज एक एक को देखो, युवराज कौन होता था, ये आपको पता है कि राजा का उत्तराधिकारी या पुत्र जो होता था वो उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी होता था। अब देखो कुछ में और अंदाजा लगाओ आप, तो युवराज कंप्लीट हो गया, आपके समझ में आ गया, ठीक है। और एक देखो और इसी सेनापति, सेनापति आप जानते हो किसके विभाग का था, सेना का था सेनापति, सेना का अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष लिख दूं तो सेनापति सेना अध्यक्ष होता है, ये आपको पता है। एक है देखो नायक, ठीक है, नायक जैसे फिल्म का नाम भी सुना होगा, गाने हीरो बोलते हैं नायक, नायक का मतलब होता था कि जब सेना, जो भी सेनापति तो सेना का अध्यक्ष होता था, लेकिन जब भी युद्ध होता था या सेना को भी कार्रवाई करती थी तो उसका जो मुखिया होता था, सेना की कार्यकारी मुखिया होता, जब काम किया जाता था तब उसका जो अध्यक्ष होता था वो होता था नायक, ठीक है। नायक किसको, सेना की कार्यवाही का अध्यक्ष, जब भी कार्यवाही सेना करती थी तो उसका अध्यक्ष होता था, उसका सर्वेसर्वा होता था। सेना का पति, सेना अध्यक्ष, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, ठीक है। अब देखो मंत्री और पुरोहित, पुरोहित का मतलब राजा का सलाहकार होता था, जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त का पुरोहित था, सलाहकार था, साथ में मंत्री भी थे, तो ये भी आपको पता है मंत्री और पुरोहित। अब देखो ये आता है काफी महत्वपूर्ण है, समाहर्ता, समाहर्ता, ये जो समाहर्ता का जो पद था ये काफी महत्वपूर्ण था, नाम याद रखना समाहर्ता, हर्ता का मतलब हरण करना, लेना, ध्यान रखना लेना। और क्या लेता था ये, टैक्स राजस्व इकट्ठा करता था, समाहर्ता ये क्या करता था, राजस्व इकट्ठा करता था, याद रखिएगा समाहर्ता, हर्ता का मतलब हरण करना लेना, तो ये क्या था, राजस्व का अधिकारी था। अब सन्निधाता, धाता, धाता का मतलब होता है धारण करना, धाका मतलब धारण करना, मालिक मान सकते हो आप, सन्निधाता, सन्निधाता का सन्निधाता। अब सन्निधाता का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मतलब सारा खजांची था ये, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, सनी देओल से नाम याद लेना, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, सनी देओल पैसे वाला होगा ना, पैसे रखता होगा, तो सन्निधाता का मतलब कोषाध्यक्ष हो गया। एक और है, ये है प्रदेष्टा, प्रदेष्टा ध्यान ध्यान देना इसमें, प्रदेष्टा का देखो उस टाइम
अभी जैसे भारत में बात करें, न्यायालयों की बात करें, तो दो न्यायालय होते हैं, एक होता है फौजदारी और एक होता है दीवानी। ठीक है, न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है फौजदारी न्यायालय और एक होता है दीवान न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में क्या होता है, मारपीट के केस होते हैं, किसी ने किसी को मार दिया तो उसको सजा होती है। फौजदारी में सीधा सीधी सी बात होती है, सजा होती है, यूं याद रख लो आप फौजदारी। और दीवानी का मतलब होता है कि इसमें किसी का अधिकार छीन लिया हो, जैसे किसी ने किसी की जमीन हड़प ली हो, किसी ने किसी के पैसे हड़प लिए हो, तो उसको वापस दिलवाया जाता है। तो ये मामले होते हैं दीवानी से संबंधित। फौजदारी में मारपीट के मामले होते हैं और दीवानी में राजस्व से संबंधित मामले होते हैं या किसी के अधिकार का हनन होता है, तो उसमें सजा से पहले सबसे बड़ा क्या होता है, उसमें एक को डिसीजन देता है कि ये चीज इसकी है। जैसे किसी ने जमीन हड़प ली तो सजा नहीं होती कि ये जमीन किसकी है, इसकी है। फौजदारी में किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको सजा होगी, ये 10 साल की सजा है। इसमें दीवानी में किसका अधिकार बताया जाता है कि ये इसका अधिकार है, ये इसकी चीज। तो देखो प्रदेष्ठा जो था, प्रदेष्ठा याद रखना नाम प्रदेष्ठा, ये प्रदेष्ठा जो था ये क्या था, फौजदारी न्यायालय से संबंधित था। प्रदेष्ठा प्रदेष्ठा प्रदेष्ठा, नाम उल्टा प्रदेश मत कर देना इसको। प्रदेष्ठा का मतलब है फौजदारी से संबंधित जो भी डिसीजन होता था उसका प्रदेष्ठा, मतलब फौजदारी न्यायालय का मुखिया होता था प्रदेष्ठा। ठीक है, एक और आप याद रखना कि अब फौजदारी का तो हो गया, लेकिन आपने आपने एक और देखा, ये व्यवहारिक जो था ये कौन से न्यायालय का था प्रमुख, दीवानी न्यायालयों का। क्योंकि जिस व्यवहार व्यवहार किसी के साथ व्यवहार के लेन देन की, तो वो व्यवहारिक शब्द आता है काम में, याद हो जाएगा। व्यवहार किसी ने आपसे किसी ने व्यवहार किया कि 500 रुपये दो, 500 रुपये नहीं दिए, तो किसके पास, मौर्य काल में किसके पास जाता था, व्यवहार ठीक नहीं है उसका, तो ये किसके पास जाता था, व्यवहारिक मतलब दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष होता था, न्यायाधीश मान सकते हो, न्यायाधीश कह सकते हो आप। तो व्यवहारिक हो गया। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, जो मंत्रिपरिषद थी, एक तो मंत्रिमंडल होती है और एक मंत्रिपरिषद होती है, तो जो मंत्रिपरिषद होती थी उसका अध्यक्ष मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था। एक होता था दंडपाल, देखो ध्यान देखना इसको। दंडपाल क्या होता था, सेना का, जैसे देखो ये एक सेनापति था जो सेना का अध्यक्ष होता था, नायक, सेना जब भी मूव करती थी या कोई कार्यवाही करती थी तो उसका अध्यक्ष होता था। एक होता था दंडपाल, ये भी सेना का ही था, लेकिन इसका क्या काम था, इसका काम था कि जो सेना थी उसके लिए जो भी रसद सामग्री है, हथियार गोला बारूद जो भी हथियार चाहिए, तो वो उसकी रसद का मालिक था, वो खान पान सारा मान लो आप। तो सेना को जो रसद सामग्री थी उसको सप्लाई करने का काम इसके पास था, दंडपाल के पास। ठीक है, एक हुआ, यहां तक हो गया मंत्री अध्यक्ष हो गया, हाँ नायक हो गया। एक था अंतपाल, ये अंतपाल क्या होता था, ये क्या था, देखो नाम से पता चल रहा है इसका, अंतपाल का, अंतपाल का मतलब था जैसे कोई राज्य होता था मौर्य शासन का, ये जो मान लो क्षेत्र था, इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसके बाद में दूसरा राज्य आ गया मान लो, तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा थी उस पर जितने भी दुर्ग और किले बने हुए थे, दुर्ग और किले बने हुए थे, उन किलों का मालिक था अंतपाल। अंत का मतलब अंदर का नहीं है, अंतपाल का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा थी, राज्य की जो सीमा थी, उनके बने हुए दुर्गों का मालिक होता था अंतपाल। क्लियर है, तो अंतपाल किसका था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, तो अंतपाल क्लियर हो गया। एक होता था दुर्गपाल, ये जो दुर्गपाल था, ध्यान से देखना, ये जो दुर्गपाल था, ये दुर्गपाल अंदर भी तो दुर्ग बने हुए थे, ये अंदर जो राज्य के अंदर दुर्ग थे उनकी देखरेख का काम इसके पास था। अंतपाल राज्य की सीमा पर जो दुर्ग बने हुए थे वो, और दुर्गपाल थे अंदर जो राज्य के भीतर जो दुर्ग बने हुए थे उनकी व्यवस्था को संभालने वाला। नागरिक का मतलब है नगरों का अध्यक्ष होता था, नगरों की व्यवस्था संभालता था, तो नागरिक कहलाता था। इसके अलावा प्रशस्ता, प्रशस्ता का मतलब क्या होता था,
ध्यान से समझना, इस शब्द में छिपा हुआ है प्रशस्ता। प्रशस्ता, प्रशस्ता का मतलब जब राजा कोई आदेश देता था, प्रशस्त का मतलब दिखाना, स्पष्ट करना, प्रशस्त का मतलब स्पष्ट करना या दिखाना। तब दिखाने, स्पष्ट करने का मतलब क्या हुआ कि राजा जो भी आदेश मौखिक देते थे उनको, उन आज्ञाओं को लिखित में प्रसारित करता था, ये काम करता था प्रशस्ता। प्रशस्ता मतलब स्पष्ट करता था, जनता के सामने स्पष्ट कर देता था कि ये राजा के आदेश है, तो प्रशस्ता हो गया। इसके बाद में आप देखना, प्रशस्ता हो गया ये द्वारिक। द्वारिक, द्वारिक का मतलब जो राजा का महल था, द्वार का मतलब द्वार मान लो आप, द्वारिक का मतलब था द्वार। अभी जैसे द्वार लिखते हो ना आप, एक बार मैं लिखता हूं द्वार, तो द्वार किसका, राजा के महल। तो द्वारिक का काम था कि राजा का जो महल है उसकी व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को संभालना, ये काम करता था द्वारिक। अब आता है आठविक। आठविक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। आठविक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, ध्यान से समझना। तो आठविक जो था उसका मतलब था वन विभाग का प्रमुख। कई बार सवाल आता है, ये कई बार आया हुआ भी है कि वन विभाग के अध्यक्ष को मौर्य काल में क्या कहते थे, आठविक। तो वन विभाग के अध्यक्ष को आठविक कहते हैं। और एक होता है अंतवासिक। अंतवासिक, अंतवासिक, अंतवासिक को आप याद रखना। अंतवासिक का मतलब है कि अंत नहीं हो जाए, तो यूं याद कर लो, अंत किसका, राजा का। अर्थात ये राजा की खुद की सुरक्षा, राजा की सुरक्षा, राजा की सुरक्षा जो संभालता था उसको बोलते थे अंतवासिक। अब और कौन सा रह गया, ये देखो कर्मांतिक, इसको समझना आप। कर्म, कर्मांतिक का मतलब होता था कर्म से संबंधित। कर्म का मतलब काम करना, और काम कहाँ, फैक्ट्रियों में। तो फैक्ट्रियों का मालिक था, फैक्ट्री लिख लो आप। कर्मांतिक का मतलब था फैक्ट्री, फैक्ट्री का, फैक्ट्री संभालने वाला, फैक्ट्रियों को संभालने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार ये 18 तीर्थ काफी महत्वपूर्ण, 18 के 18 आने चाहिए। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं फटाफट, आपको या लिख लेना या आपके नोट्स मिल जाएंगे। पहला देखो, पहला जो महापात्र था, पहले 18 विभाग थे, उनको सबको तीर्थ कहा जाता था। पहला था मंत्री और पुरोहित, जो राजा के पास बैठता था, प्रधानमंत्री कह सकते हो, और राजा को सलाह भी देता था, पुरोहित। समाहर्ता, समाहर्ता, हर्ता का मतलब हरण करना, लेना, क्या लेना, टैक्स लेना, तो समाहर्ता हो गया। सन्निधाता, सन्निधाता मतलब सन्निदेव, क्या है, पैसे रखता है भाई साहब, तो सन्निधाता का मतलब कोषाध्यक्ष। सेनापति, सेना का अध्यक्ष। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा, 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 प्रदे, 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 प्रदेष्टा, प्रदेष्टा का मतलब फौजदारी, न्यायालय का न्यायाधीश। इसके बाद में नायक, जब सेना युद्ध के लिए जाती थी या उसकी कार्य किया जाता था, सेना की कार्यवाही होती थी, उसका मालिक होता था कर्मांतिक, मतलब कर्म मतलब फैक्ट्री में, कर्मांतिक होता है फैक्ट्रियों का मालिक होता था। व्यवहारिक, व्यवहार खराब किया किसी ने तो किसके पास, व्यवहारिक के पास जाता, मतलब दीवानी मामलों के अध्यक्ष हो गए। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष बोलते। दंडपाल होता था, दंड का मतलब होता है चरण छूना, चरण छूना यानी है दंडपाल का अर्थ है सेना की रसद सामग्री देने वाला। अंतपाल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो दुर्ग थे उनकी संभालने वाला। दुर्गपाल, जो सीमा के अंदर के दुर्ग थे उनको संभालने वाला। नागरिक मतलब नगर को संभालने वाला। प्रशस्ता का मतलब प्रशस्त करना, राजा के आदेशों को प्रशस्त करना, मतलब लिखा पढ़ी लिख कर। द्वारिक मतलब द्वार पर रहने वाला, किसके द्वार, महल के द्वार पर। अंतर्वासिक का मतलब होता था कि वो राजा का अंगरक्षक होता था। और आठवीं होता था जंगल या वन विभाग का अध्यक्ष। इस प्रकार 18 तीर्थ थे, और 18 तीर्थ प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। आपको हेल्पफुल रहेगा, ये आशा है आपको पसंद आएगा ये वीडियो। याद करना, एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद, जय हिंद।